खड़ा हुआ समाज था, उस समाज को बाबा साहब ने ऊपर लाकर समता के न्याय से लेके वो सब संविधान से ला दिया। हमें कि बाबा साहब के विचारों से चलना चाहिए, बाबा साहब के विचारों से चलना चाहिए। एकीकरण हुआ है तब तब, जैसी एक के दो खोबरा गड़े और गवई के जमाने में, यानी आज से 30 साल 35 साल 40 साल देश के टुकड़े करने के चक्कर में लगी हुई, और जो अपने नेता है जो बीजेपी से घूम रहे उनके और बहिष्कार डालना, उनका बहिष्कार समाज ने कर डालना चाहिए टोटली, जबकि उनका कोई वैल्यू नहीं है। और जिनका वैल्यू नहीं होता वो ऐसे पार्टियों के तरफ, समाज के जितने भी लोग हैं सब बिकाऊ हो गए हैं। सिर्फ बाला साहेब अम्बेडकर जो आज वंचित बहुजन आघाड़ी, सब अपने अपने झंडे लेके रहे, हमारा एक ही झंडा रहेगा, नीला झंडा। आज कवाड़े के पास में जीरो है, आज सुलेखा कुंभार है, उसके वास्ते कोई शक्ति नहीं, इसलिए बीच में जाके मिल गई है। उसके बाद में रामदास आठवले के बारे में आप तो बात न करें तो अच्छी बात। मैं पंकज गजभी, इस बार नागपुर वासियों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। पहली खुशी तो ऐसी है कि राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिन की उपलक्ष में सबको हार्दिक बधाई और बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। दूसरी खुशी ऐसी है कि 19 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा, दूसरा जलसा होने वाला है, जहां नागपुर वाले सभी जो भी बटे हुए लोग हैं उनको अपनी एकता दिखाने का, यहाँ जो वंचित ने उनको जो सपोर्ट किया है कांग्रेस को, सारा वंचित का वोट उनको विकास ठाकरे को जाएगा। कांग्रेस वंचित ने जो सपोर्ट किया है उसके वजह से 10% समाज ये कांग्रेस को वोट देना चाहूंगा। कांग्रेस को जो समर्थन मिला है नागपुर में वंचित आघाड़ी का, उसकी वजह से ही कांग्रेस चुन के आएगा, वंचित की वजह से चुन के आएगा, विकास वंचित की वजह से आएगा, क्योंकि पिछले वक्त विधानसभा में विकास ठाकरे जब पश्चिम नागपुर से खड़े हुए तो वो तब भी चुनकर आए, तो वंचित की वजह से आए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम 29 न्यूज और डब्ल्यू एट न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 यानी 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में संविधान चौक में आप देख सकते हैं किस प्रकार से तैयारियां शुरू है, जोर शोर से तैयारियां शुरू है। ये जो है, ये जो सेटअप लगाए दिखाई दे रहा है ये डीजे का है, जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस जो डीजे है वो यहाँ लगने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा, ये जो है, ये जो पूरा एरिया जो है, यहाँ पे किताबों की, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो किताबें हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की जो किताबें हैं, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ पे किया गया है। बुक स्टॉल लगाए जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देख सकते किस प्रकार से यहाँ पे ये संविधान चौक पे ये तैयारियाँ जोर शोर से शुरू है। मैं अभी आपको पुतले की, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले की ओर लेके चलूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, देखो किस प्रकार से डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है, देख सकते हैं आप, ये डेंटिंग पेंटिंग शुरू है यहाँ पे, जोर शोर से डेंटिंग पेंटिंग शुरू है। और लोकसभा चुनाव का माहौल इस नागपुर में है, 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव भी है। और इस, आप देख सकते हैं संविधान चौक पर किस प्रकार से डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है, आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये नेम प्लेट की तरफ थोड़ा सा दिखाइए, नेम प्लेट की तरफ दिखाइए, ये देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये ऐतिहासिक पुतला है। पूरे नागपुर शहर में ही नहीं, पूरे इंडिया में ये संविधान चौक जो है और यहाँ का जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये जो पुतला है ये ऐतिहासिक पुतला है। और ये मैं और दिखाना चाहूँगा, इधर ये देखिए डेंटिंग पेंटिंग, भारत का संविधान देते हुए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी दिखाई दे रहे हैं। इधर भी देखिए ये अलग अलग प्रतिकृतियाँ यहाँ पे इस दीवार पे आपको दिखाई देंगी। और भी मैं बताना चाहूँगा, ये इधर का भी नज़ारा थोड़ा दिखाइए किस प्रकार से डेंटिंग पेंटिंग शुरू है।
ये देखिए ये भी इसे भी डेंटिंग पेंटिंग किया गया है। अभी ये भी प्रतिकृति आप देख सकते हैं। ये जागतिक बौद्ध जो परिषद है 1956 में जो काठमांडू में हुई थी, इसकी ये जो प्रतिकृति है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है। इसके चारों ओर से जो है संविधान चौक का जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो पुतला है, उनका परिसर डेंटिंग पेंटिंग की जा रही है उनके परिसर में। और यहाँ पे जो अभी सिर्फ दो ही दिन बाकी है, आज की 12 तारीख है, 13 और 14 यानी आज, ये आज की 12 तारीख है, 12 तारीख को जातक यानी मेरा यानी अनुमान है कि ये जो डेंटिंग पेंटिंग है ये पूरी की जाएंगी। ये झरना भी आप थोड़ा दिखा सकते हैं, ये देखो इसका पानी भी बदला गया है। ये भी जो है अभी ये जो झरना है वो भी शुरू किया जाएगा। ये लाइटिंग भी है, लाइटिंग भी है, बहुत ही रोशनी, बहुत ही सुंदर ऐसी रोशनी आपको दिखाई देंगी। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा कि 13 अप्रैल के मध्य रात्रि यहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष में लाखों की संख्या में मध्य रात्रि में यहाँ पे बौद्ध अनुयायी आते हैं, सफ़ेद वस्त्र परिधान करके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे भव्य दिव्य ऐसी केक काटा जाता है, भदंत सुरेश साई नागार्जुन के हस्ते यहाँ पे इंदौरा चौक से तो संविधान चौक तक भव्य दिव्य ऐसी लाखों की तादाद में रैली निकाली जाती है। और यहाँ पे जो है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 13 अप्रैल की यानी मिडनाइट को ही अभिवादन किया जाता है। और 14 अप्रैल को मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सा कार्यक्रम जो प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी डेंटिंग पेंटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं खास करके बताना चाहूँगा इस बार गर्मी को देखते हुए यहाँ पे अभी दो दिन पहले ये जो है वाटर कूलर जो है वो लगाया गया। ये देखिए ये ठंडा पानी, ये थोड़ा मध्यम पानी और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो यहाँ पे जो उपासक उपासिकाएं आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बर्थडे एनिवर्सरी वाटर कूलर इनॉग्रेशन, आप देख सकते हैं इसका इनॉग्रेशन हो गया है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो उपासक उपासिकाएं आएंगे उनकी उन्हें जो यानी पानी की व्यवस्था भी यहाँ पे संविधान चौक में बाबा साहब जी के पुतले के पास की गई है। यहाँ पे कुछ अनुयायी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहूँगे कि अभी बहुत ज़ोर शोर से महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाएंगी और आप संविधान चौक में हरदम दिखाई देते हो, एक कमेटी में भी हो, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए मैं ये कहना आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल नाथ के शील है। मैं यहाँ पे हम लोग की कमेटी बनी हुई है जो ये संविधान चौक के रखरखाव को देखती है। अगर कुछ टूट फूट हुआ कुछ हुआ तो NMC में जाके हम लोग बताते हैं और यहाँ पे हम लोग सब इसे रखरखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ पे 14 अप्रैल के दिन यानी 13 के रात को यहाँ पे कम से कम तो भी 1.5 से 2 लाख लोग रात को 12 बजे यहाँ पे आते हैं और इस बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए ढोल ताशे कुछ रैलियाँ वाले लेकर यहाँ आते हैं। और बाबा साहब को 13 तारीख के रात को यहाँ पे सब लोग अभिवादन करते हैं, रोशना ऐसे भरा होता है। 14 तारीख के सुबह से यहाँ सभी लोग आना शुरू हो जाता है। बाबा साहब के जो कार्य का है, जो हमें हमारे को हमारे इतने उपकार है, हमारे पर इतने उपकार है कि हम हमारे 7 जन्म भी हम रहे तो भी फेड़ नहीं सकते हैं। बाबा साहब ने हमें एक जानवर से इंसान बनाया, जो जानवर हमें हिंदू धर्म ने बनाया था, जो जमीन के अंदर गाड़ा हुआ समाज था, उस समाज को बाबा साहब ने ऊपर लाकर समता के न्याय से लेके हुए सब संविधान से ला के हमें यहाँ पर आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए हम भारत के लोग आज बहुत बहुत यानी कमी महसूस करते कि जिस तरह से सरकार जो चला रही है दलितों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को या जो जो अनएम्प्लॉयड है उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहे हैं,
महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, इन सभी को देखते हुए यहाँ पे जो है सरकार बदलना चाहिए। और हमें जो बाबा साहब के जो प्रिंसिपल दिया डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी के हिसाब से यह देश चलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा हम सभी को, और मैं खुद आने वाले 14 अप्रैल के लिए सभी भारतवासियों को, बौद्ध धर्म के लोगों को, बौद्धों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का 14 अप्रैल का जो दिन है वो हमारे लिए हमारे स्वर्ग से भी बड़ा है। जिस दिन हमारे मसीहा, हमारे आज बाबा साहब को हम मसीहा नहीं उसी ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे, हम अपने बाबा साहब को बाप मानते हैं। भले जन्म हमारे को हमारे को हमारे माता पिता ने दिया हुआ, लेकिन बाबा साहब ने जो जन्म दिया वो 7 जन्मों से हमें फेड़ नहीं सकते। इतना ही बोल के मैं अपने दो शब्द समाप्त करूं। निश्चित ही निश्चित ही किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया अम्बेडकरी अनुयायी ने, या आप देख सकते कि हम अपने पिता से भी बढ़कर हम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। मैं मुझे ये बताइए, आप आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेश उके। आप ये बताइए कि एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की हम जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं, उनके विचारधारा से लोगों ने चलना चाहिए, क्या बताना चाहोगे आप? मैं तो ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के विचारों से चलना चाहिए, बाबा साहब के विचारों से चलना चाहिए, इसीलिए कि उस महामानव ने जो पूरे समाज को दिया है, अन्यथा किसी ने नहीं दिया है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बिखरे हुए जो नेता है उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे आप, जो बिखरे हुए नेता है? अभी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है, जोर शोर से लाखों से तादाद में यहाँ पे लोग आते, लेकिन हमारा समाज जो है वो वोटों का बंटवारा हो चुका है हमारे समाज का, क्या बताना चाहोगे? जो नेता बिखरे हैं उनको बिखर नहीं रहने दीजिए। जब जब अम्बेडकरी चलवड़ी की एकीकरण हुआ है, तब तब जैसी एक के दो खोबरा गड़े और गवई के जमाने में, यानी आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले जो गठ थे खोबरागढ़ गवई, ये उनका एकीकरण हुआ, 2 के 4 शक्लें हुए 4 के 8 हुए 8 के 10 हो गए, और अभी कोई गिनती नहीं है शक्ल की। यानी मैं तो कहता हूँ जब जब एकीकरण का ये पाठ पढ़ाया गया तब तब और ज़्यादा शक्लें निर्माण हो गई है, लेकिन अभी के फिलहाल में डॉक्टर बाबा साहब के नातू प्रकाश अम्बेडकर, इनके जो वंचित आघाड़ी है उनके साथ में सारे समाज ने, अपने बुद्धों ने, अपने वंचित लोगों ने उनके साथ जाना चाहिए, यही मैं आपको कह सकूंगा। हमारे जो अम्बेडकरी नेता है वो बीजेपी के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भाषण देते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी ये संविधान को बचाएगी। बीजेपी संविधान कभी भी बचा नहीं सकती, वो तो देश के टुकड़े करने के चक्कर में लगी हुई है, और जो अपने नेता है जो बीजेपी से घूम रहे हैं उनके और बहिष्कार डाल, बात खत्म हो गई। बस इतना का आप क्या बताना चाहोगे? जो बीजेपी में काम कर रहे हैं क्या उनका बहिष्कार समाज ने कर डालना चाहिए टोटली, जबकि उनका कोई वैल्यू नहीं है, और जिनका वैल्यू नहीं होता वो ऐसे पार्टियों की तरफ में मुड़ते हैं। अभी वो तो आएंगे ना, अभी 14 अप्रैल को हमें अलग अलग झंडे दिखाई देंगे, कोई बीजेपी का झंडा रहेगा, कोई कांग्रेस का रहेगा, और नीले झंडे के भी अलग अलग ये रूप दिखाई देंगे, क्या बताना चाहोगे आप? सब अपने अपने झंडे लेके रहे, हमारा एक ही झंडा रहेगा नीला झंडा, क्या नीले झंडे के नीचे ही हम लोग रहेंगे और उसी के अंदर में काम करते रहेंगे। ये जो नेता है उन्हें यानी आप, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, हाँ मैं उनके तरफ भी आता, मेरा एक आखिरी सवाल, ये जो नेता है अलग अलग झंडे लेके जो आते हैं संविधान चौक पे और अलग अलग गट में दिखाई देते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? अम्बेडकरी समाज के बारे में बोल रहे हैं या बाकी और समाज के? अम्बेडकरी समाज के बारे में। अम्बेडकरी समाज के जितने भी लोग है सब बिकाऊ हो गए है, सिर्फ बाड़ा साहेब अम्बेडकर जो आज वंचित बहुजन आघाड़ी करके है, बाकी सब जीरो हो गए। ये लोग फटे हुए डायरी का आखिरी पन्ना हो गए, ये फटे हुए डायरी का आखिरी पन्ना ये फट जाएगा। आज कवाड़े के पास में जीरो है, आज सुलेखा कुंभार है उसके से कोई शक्ति नहीं, इसलिए बीच में जाके मिल गई है। उसके बाद में रामदास आठवले के बारे में आप तो बात न करें तो अच्छी बात है, वो तो समाज से फेंका हुआ टुकड़ा है जो आज कोई भी नहीं चाहता उसको, और ये इनके पास में आज कोई मास्क न होने के कारण
कहीं तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, और बीजेपी ने उनको कुत्ते की हालत कर दिया हुआ है। ये लोग जो आज समाज को छोड़ के गए हुए, उसको समाज भी माफ नहीं करेगा और जनता भी माफ नहीं करेगी। इनके पास में कोई वोट बैंक नहीं है और कोई एकीकरण की बात नहीं हो सकती। बाड़ा साहब आज के समय में जो स्टेप ले रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के साथ में जो आघाड़ी नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि हमने हमारा समाज किया वोट बैंक नहीं बनाना चाहिए, हमारी पार्टी नहीं होना चाहिए। लेकिन नागपुर में तो है ना? नहीं, नागपुर में है। देखिए, नागपुर में बाड़ा साहब ने कांग्रेस को जो समर्थन दिया हुआ है, वो सिर्फ यहाँ आरएसएस का लोग है यहाँ पे, उनको हराने के लिए, और दीक्षा भूमि है, इसका वोट नहीं बटना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को यहाँ पे वोट समर्थन दिया हुआ है, अन्यथा बाकी नहीं। हम तो चाहते कांग्रेस साथ में जो युति हो, मगर कांग्रेस ने, शिवसेना ने और शरद पवार ने जो खेल खेला है, 4 महीने से 3 देता हूँ, 5 देता हूँ, 10 देता हूँ, ये सिर्फ भूल भुलैया काम है और दिया कुछ नहीं। आपने कहा कि खेल खेला है, यानी कांग्रेस ने खेल खेला है, महाविकास आघाड़ी ने खेल खेला, ऐसी आपके नेताओं ने खेल खेला, ऐसी आपका कहना है। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब को जब 5 सीटें देने के वादा किए थे, उसके बाद 7 सीटें देने के कबूल हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कहाँ से लड़ेंगे ये बताए नहीं थे प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये 5 सीटें देने वाली, 7 सीटें देने वाली, ये सिर्फ मीडिया की बात है, मीडिया की बात है, और यहाँ ऐसा कोई डिक्लेयर हो गया था ना? नहीं डिक्लेयर नहीं, संजय राउत नहीं, नहीं 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 नहीं, ये संजय राउत ये जो है, ये बाड़ा साहेब आदमी का एक कुत्ता है, पाला हुआ कुत्ता है, जो आके सामने में भौंकता है 3 सीट 5 सीट 7 सीट। अरे हमें तो वंचितों की तरह बाहर में बैठाया गया, हमने तो आदर से, हमको हम सब खो सकते हैं, हमारा स्वाभिमान नहीं खो सकते, हम अब किसी से वंचित नहीं रह सकते, हम किसी को लाचार नहीं हो सकते, हम लड़ेंगे अपने स्वाभिमान से लड़ेंगे, चाहे हमारा वोट बैंक कुछ हो, कुछ चूंकि आए ना आए, यही हमारी आ रही है। अच्छा, नागपुर में अभी कौन बाजी मारेगा? नागपुर में भी विकास ठाकरे बाजी मारेंगे, नागपुर में विकास ठाकरे बाजी मारेगा, आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सबको जय भीम, मैं पंकज गजभी, इस बार नागपुर वासियों के लिए दोहरी खुशी का मौका है। पहली खुशी तो ऐसी है कि राष्ट्र निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिन की उपलक्ष में सबको हार्दिक बधाई और बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। दूसरी खुशी ऐसी है कि 19 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा, दूसरा जलसा होने वाला है, जहां नागपुर वाले सभी जो भी बटे हुए लोग हैं उनको अपनी एकता दिखाने का उनको मौका मिलेगा। इसमें आपको मौका ऐसा मिलेगा कि ये समझिएगा कि कौन कौन से समाज से, कौन से पार्टी से उनको दूर रखते हुए एक नया चमत्कार दिखाने जा रहा है नागपुर, कि आप लोग सब जन दंग रह जाएगी कि नया चमत्कार कहां से हुआ है, और ये आपको समय 4 जून बताएगा। क्या लगता है चमत्कार सही में वाकई होगा? 100% चमत्कार होने वाला है इस बार, आप देखिएगा। 4 जून को आपको मौका मिलेगा देखने को, आप देखिएगा, पूरा चमत्कार देखने को ही मिलेगा आपको, 100% बता रहे हो। क्या चमत्कार दिखाई देगा? 19 अप्रैल को अभी मतदान है और 4 जून को मतगणना है, क्या चमत्कार होगा? हम सिर्फ नागपुर के बारे में पूछेंगे। नागपुर में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जैसा भाई साहब ने बताया, तो उनको चमत्कार ये दिखेगा कि यहाँ जो वंचित ने उनको जो सपोर्ट किया है कांग्रेस को, सारा वंचित का वोट उनको विकास ठाकरे को जाएगा, और विकास ठाकरे चुन के आएगा, और विकास ठाकरे सिर्फ वंचित के भरोसे ही चुन के आएगा। आप क्या बताना चाहोगे? मैं भी यही बताना चाहूंगा, कांग्रेस को जो समर्थन मिला है नागपुर में वंचित आघाड़ी का, उसकी वजह से ही कांग्रेस चुन के आएंगे नागपुर में। आप क्या बताना चाहोगे? कांग्रेस वंचित ने जो सपोर्ट किया है उसके वजह से 10% समाज ये कांग्रेस को वोटिंग करेगा, और उसके हिसाब से विकास ठाकरे चुन के आएंगे। आप क्या बताना चाहोगे? वंचित के वजह से चुन के आएंगे विकास ठाकरे। और आप? वंचित की वजह से आएंगे, क्योंकि पिछले वक्त विधानसभा में विकास ठाकरे जब पश्चिम नागपुर से खड़े हुए तो वो तब भी चुन कर आए, तो वंचित की वजह से आए, क्योंकि लोकसभा में जो मतदान लिया गया था वंचित के कैंडिडेट ने, क्या वो 7,000 का ये था, और वही 7,000 का डिफरेंस से विकास ठाकरे पश्चिम नागपुर से आमदार बने, तो आज भी वंचित की वजह से विकास ठाकरे चुनकर आने वाले। वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से ही नागपुर लोकसभा से जो है कांग्रेस के
विकास ठाकरे चुन के आएंगे ऐसी कहना नागपुर वासियों का है। खैर वो तो अभी 4 जून को हमें पता चली जाएगा, लेकिन 19 अप्रैल को 100% नागपुर वासियों ने बाहर निकलकर मतदान करना बहुत जरूरी है, तो ही यह जो है शक्य हो सकता है कि विकास ठाकरे 4 जून को चुनकर यानी जब मतगणना होगी तो ये चित्र यहाँ का बदल सकता है। भलाई जो अम्बेडकरी नेता है वो भाजपा के साथ रैली में घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे, लेकिन अम्बेडकरी जनता जो है उनका जो रुझान है वो नागपुर में कांग्रेस की ओर दिखाई दे रहा है। विकास ठाकरे को ही चुन के लाने का मन अम्बेडकरी नेताओं ने बनाया है, लेकिन मैं खास करके बताना चाहूँगा कि आने वाले 4 जून को ही जो है नागपुर का खासदार कौन ये पता चलेगा। मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो सब नज़ारा जो दिखाया है ये अभी 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष में हमने संविधान चौक में जो रंग रंगोटियाँ हो रही है, जो डीजे जो सबसे बड़ा डीजे यहाँ लगने वाला है 13 अप्रैल को, यहाँ पे लाखों की तादाद में बौद्ध अनुयायी आने वाले हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा केक यहाँ पे संविधान चौक में कटने वाला है। इंदौरा चौक पूरे नागपुर से यहाँ पर भव्य दिव्य ऐसी रैलियाँ आएंगी और आतिशबाजी होगी और डीजे बजेगा, इसकी तैयारियाँ यानी अंतिम दौर पे है और ये आज ये जो तैयारियाँ ये पूरी हो जाएगी और 13 अप्रैल को आप भी संविधान चौक में आना न भूले, क्योंकि यहाँ पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती ये भव्य दिव्य स्वरूप में मनाई जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी और डीजे के साथ यहाँ पे यानी डीजे के ताल पे यहाँ पे सब अनुयायी झूम उठेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH News। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।